हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ रूबी और आज की हमारी रेसिपी शीर, जो बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही क्रीमी बनने वाली है। और इस दोलादा पर आप इसे ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही इजी वे में हम इसको बनाएंगे और साथ ही साथ ये बहुत ही लाजवाब, बहुत ही टेस्टी बनने वाली है। देखिए कितनी क्रीमी और कितनी बेहतरीन बनी है हमारी शीर। तो सबसे पहले ये मैंने 2 लीटर दूध लिया है और इसको हम बहुत अच्छे से गर्म कर लेंगे। और जब ये प्रॉपर बॉयल हो जाएगा तो गैस एकदम हम कर देंगे स्लो और इसे 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि इसके ऊपर अच्छा सा क्रीम, अच्छे से बलाई आ जाए। तो जब बलाई आ जाएगी तो उसे हम बार बार चलाते रहेंगे तो उसे हमारी जो दूध है वो बहुत ही क्रीमी बन जाएगा। और इसमें मैं डाल रही हूँ तकरीबन 75 ग्राम सिवैयाँ। ये गोल्डन कलर की सिवैयाँ हैं, रोस्टेड, और इसे मैंने बहुत बारीक तोड़ लिया है। और इसको हम डालने के बाद इसे अच्छे से चला लेंगे, मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए अच्छे से हमारा दूध और सिवैयाँ बॉयल हो रहे हैं और इसे हम चलाते रहेंगे। और गैस को हम रखेंगे मीडियम और इसको हम कंटिन्यूसली चलाएंगे कम से कम 5 मिनट तक। और जब हमारा ये अच्छे से बॉयल हो जाएगा दूध, और तकरीबन 5 मिनट के बाद हम इसे कवर करेंगे और गैस कर देंगे एकदम स्लो। तो ये देखिए कितने अच्छे से बॉयल हमारी दूध और सिवैयाँ हो रही हैं, बट चलाना नहीं रोकें इसको। तो मुझे इसे चलाते हुए 5 से 6 मिनट हो गए हैं। और साइड के कॉर्नर्स को ज़रूर साफ़ करते रहें ताकि जो क्रीम है वो, जो इसके साइड में लगा हुआ है, वो एज ए क्रीम हमारा बन जाएगा। तो अब हम इसे कर देते हैं 5 मिनट के लिए कवर और इसको, और गैस एकदम स्लो कर देंगे। तो ये देखिए 5 मिनट के बाद मैंने इसे खोला है, अच्छे से बबल आ रहे हैं। और देखिए साइडों में जो क्रीम लगा है उसको हम क्लीन कर लेते हैं और इसको अच्छे से एक बार फिर चला देते हैं। 1-2 मिनट के लिए चलाएंगे हम इसको। तो ये देखिए कितनी क्रीमी सी होती जा रही है हमारी शीर। और बट अभी हमें और इसको पका, टोटल हमें शीर को बनाने में 25 मिनट लगते हैं, 25 से 30 मिनट लगते हैं। तो ये हम अब इसमें थोड़ा सा ऐड करेंगे केसर यानी ज़ाफ़रान, थोड़ा सा मैं अभी डालूँगी, और थोड़ा सा ये जब बनने लगेगी, मतलब तैयार होने लगेगी एकदम, तब मैं डालूँगी। तो ये अभी हमने डाल दिया ज़ाफ़रान और इसको हम फिर से कवर करेंगे 5 मिनट के लिए और गैस को हम वही स्लो रखेंगे। तो ये मैंने कवर कर दिया और अब हम चेक करेंगे इसे 5 मिनट के बाद। तो ये मैंने 5 मिनट के बाद देखिए खोला है, बहुत ही बेहतरीन क्रीमी हमारी जो शीर है वो बनने वाली है। इस तरह की जो शीर है ये आप लोग ज़रूर इस दुल्हा पर बनाएं, बहुत इंजॉय करेंगे, बहुत ही टेस्टी लगती है। मेरी तो बहुत ही फेवरेट है ये, मेरी दादी, मेरी मम्मी बनाती थी। और बहुत ही बेहतरीन सा देखिए कलर है ये ज़ाफ़रान का, एकदम ओरिजिनल ज़ाफ़रान है ये। और ये हम थोड़ा सा अलग प्रिपरेशन करते हैं। ये मैंने प्योर घी लिया, 1 स्पून, ज़्यादा नहीं लिया है। उसमें ये मखाने डाले हैं, इन्हें थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, रोस्ट कर लेंगे इसमें। मखानों को रोस्ट करते हुए मुझे 2-3 मिनट हो गए हैं। और अब हम इसमें डालते हैं बादाम और चिरौंजी, तो इसको भी हम थोड़ा सा इसमें फ्राई करेंगे, मतलब तो ये का 1 मिनट तक इसे हम थोड़ा सा रोस्ट करते हैं, फ्राई करते हैं। और अब ये हमारा जो मखाने और बादाम और चिरौंजी है ये तैयार हो गई है। बस हम इसमें इसको ऐड करेंगे शीर में, बहुत ही प्यारी सी स्मेल आती है इसको हल्का सा रोस्ट करने के साथ। तो ये मखाने, बादाम और चिरौंजी हम इसमें मिक्स कर देंगे और हमारी शीर एकदम तैयार है और इसे एंजॉय करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।